रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा 12 जून रविवार को नवदिशा कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाली 100 छात्राओं को साइकिल भेंट की गई। बालिका सशक्तिकरण के अंतर्राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत रोटरी क्लब ने छात्राओं की शिक्षा सुविधा एवं सुरक्षा के लिए साइकिल वितरण का यह कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वाराणसी मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम शर्मा की रिपोर्ट। क्या मकसद है, कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार भी मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित कर रही है और उसी कड़ी में आज रोटरी क्लब द्वारा यहाँ पर 100 बच्चियों को साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। ये मालूम है कि भी बच्चियों को कितनी बार उनका 6 से 10 तक स्कूल जाने के लिए थोड़ा से दूर 2-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और कई बार बच्चियाँ उसी कमी के कारण स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। उस चीज़ की पूर्ति के लिए आज इन 100 बच्चियों को एक साइकिल वितरण का कार्यक्रम रोटरी क्लब द्वारा रखा गया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये साइकिल मात्र एक साइकिल नहीं है लेकिन इनको एक नई ऊर्जा एक नई शक्ति इससे मिलेगी और ये लोग अपने जीवन में अपने जो भी इन्होंने लक्ष्य बना रखा है उसकी पूर्ति करने के लिए एक उनको एक माध्यम मिलेगा। और जो मुझे बताया गया कि इस तरह के और भी कार्यक्रम रोटरी क्लब द्वारा आगे भविष्य में कराए जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अपने वाराणसी में कोई भी बच्चियाँ संसाधनों की वजह से उनकी शिक्षा अधूरी ना रहे और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हर बच्चे के हाथ में एक ऐसा माध्यम हो जिससे कि वो अपना जो हायर एजुकेशन का है या जूनियर हाई स्कूल में जाना हो या जहाँ भी जाना हो वो लोग उसको पूरा करके अपना लक्ष्य की प्राप्ति में अपना अपना नाम और परिचय बता दें। मैं रोटेरियन संजय गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष। संजय जी, किस तरह का कार्यक्रम है और क्यों आप लोगों ने इन लोगों को साइकिल दी है? हमारा एक मेरा मानना था 2 साल पहले से कि मैंने अपने 17-19-20 में अध्यक्ष क्लब का कि जब एक बच्चों को मैंने एक साइकिल दी बिटिया को उसके चेहरे पर जो खुशी थी जब उससे अपनी माँ से कहा कि मैं स्कूल तब जाऊँगी जब मुझे साइकिल आके दोगी तो मुझे एहसास हुआ कि एक साइकिल कितना बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे की बिटिया की एजुकेशन के लिए स्कूल के लिए उसके साधन जब उसको उपलब्ध कराएंगे निश्चित रूप से उसको उसकी वो अपनी एजुकेशन के लिए की उसके लिए आगे उसको एक मोटिवेशन मिलती है। तो अभी हमने किया उसमें लॉकडाउन लग गया कोरोना काल आ गया तो आज हम इस सत्र में उस कार्यक्रम आगे बढ़ाया। अनिल जी ने हमारे सर जी ने उस कार्यक्रम बढ़ाया और 100 उन बच्चियों को दिया जिनके पास साधन कमी है और जो बहुत दूर दराज से स्कूल पैदल आ रही थी उनको हमने साइकिल मुहैया कराया ताकि उनकी हम एजुकेशन में सहूलत दे सकें आगे बढ़ा। किस तरह से इन लोगों का चुनाव किया गया कि हमने सभी बच्चों के स्कूल से उनके सर्टिफिकेट लिए प्रिंसिपल से महोदय से कि वो अपने स्कूल से हमने हर स्कूल विभिन्न स्कूलों से 10-10 बच्चों को चयन किया कि किसी स्कूल से 5 किसी स्कूल 8 किसी स्कूल 10 बच्चे जो पिच बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हों और जो वाकई में दूर दराज से आ रहे हो पैदल उनको सुधार पर चयन किया।